हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, शुरू करें शुरू करें। एवरीवन रेडी? एक बार थम्स अप दे दो एंड शुरू करते हैं। यूट्यूब पे भी बेटा लाइव हो जाएगा। जो बच्चे यूट्यूब पे नहीं देख, जो यहाँ नहीं देख पा रहे हो, यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी लाइव हो गया है आई गेस। हाँ ठीक है। और जो बच्चे बेटा यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक कमेंट सेक्शन में लिंक, अगर तुम पोल मेरे साथ करना चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट में एक लिंक पिन है। कमेंट में जाओ या डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक पिन है, उसमें जाओ, उसको क्लिक करोगे, रेफरल कोड आनंद जाल दो और फ्री में एनरोल कर लो यहाँ स्पेशल क्लास में। ठीक है, तो ये कर लो, ये कर लो, अपने आप आ जाएगा। देखो है ना, जो यूट्यूब पे भी देखना चाहते हो यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आवाज़ वगैरह आ रही है यूट्यूब पे, एक बार देख लो आवाज़ वगैरह आ रही है ना बेटा। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनली स्टार्ट हो गया। और ये रैंडम क्वेश्चन है, देखो कल सुबह 7 AM, 7 AM वाली जो क्लास होगी उसमें ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के क्वेश्चन होंगे। ये रैंडम क्वेश्चन है, ये रात की सीरीज रैंडम चलेगी। ठीक है, ये रात की सीरीज जो है ये रैंडमली चलती जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये वाला ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है। ठीक है, ये रात वाली सीरीज रैंडमली चलती जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड? यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 7 AM यूट्यूब पे होगी। ठीक है, 7 AM वाली YouTube पे ही होगी, 7 AM वाली YouTube पे होगी। ठीक है, देखो ये टेस्ट करने का प्रोविजन सिर्फ इसलिए है, क्यों करा रहे हैं ये टेस्ट, ये प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये है टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे अगर हम रिवर्स इंजीनियर करके सवाल करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और ये वाला जो है ये प्रैक्टिस के लिए, ये वाला जो है ये प्रैक्टिस के लिए है। राइट, बड़े जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। अब हम पोल पोल खेलेंगे और लाइव करेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? इमोजी भी ऑफ कर दूँ क्या? बहुत बच्चों का लैग कर रहा होगा। मैं इमोजी उमोजी ऑफ कर देता हूँ। मैं भूल गया यार यहाँ पे कहाँ कहाँ से होता था। डाउट्स ऑफ, रिएक्शन ऑफ कर देता हूँ, रेज हैंड ऑफ कर देता हूँ। पोल तो ऑन रहेगा, पोल प्रोडिक्शन। ठीक, आई रेडी गाइज, रेडी 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 रेडी। चलो आ जाओ। तो जो यूट्यूब पे देख रहे बेटा, नीचे कमेंट है, कमेंट में जाइए, आ जाइए। चलो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, कैन नॉट बी द डिफाइनिंग फीचर। देखो डिफाइनिंग फीचर पे सवाल आता ही आता है, तो कैन नॉट बी डिफाइनिंग फीचर, कैन नॉट बी डिफाइनिंग फीचर, कैन नॉट बी डिफाइनिंग फीचर, कैन नॉट बी डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, 15 सेकंड का पोल होगा, ज्यादा लंबा पोल हम नहीं खेलेंगे। ठीक है, और हर क्लास के बाद इसमें जो विनर होगा उससे वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो आ जाइएगा बेटा, आनंद, अरे ये क्या हो गया इसको, आनंद अंडरस्कोर मनी 16। ठीक है, तो तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। पता था ना आपको, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर था सर? कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर था, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर था, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। सेकेंड इज द सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, द साइंटिफिक नेम ऑफ मकोई इज करेक्टली प्रिंटेड एज, साइंटिफिक नेम ऑफ मकोई इज करेक्टली प्रिंटेड। तुमको नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं था, बट द साइंटिफिक नेम ऑफ मकोई इज करेक्टली प्रिंटेड एज। देखो बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत जब बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सोलानम निग्रम, एस कैपिटल यहां पे, जीनस नेम का एस कैपिटल, एन स्मॉल, स्पीसीज नेम स्मॉल, रिटन इन इटैलिक्स है, तो तुम्हारा यहां पे आंसर सी हो गया बिना किसी दिक्कत के। तुम्हारा आंसर सी हो गया बिना किसी दिक्कत के, बहुत बढ़िया। चल अगले सवाल पे आते हैं। यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, नॉमिनक्लेचर का रूल है, यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चल अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, अच्छा फोर लिखते जाता हूँ, आंसर तुम उस पर डालते हैं ना। ये मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ पनौती मेरे क्लास में होती रहेगी, इसमें कुछ कर नहीं सकते। इसको हम थोड़ा इधर खिसका देते हैं ताकि आसानी से दिख जाओ। ठीक है,
सेलेक्ट द फीचर दैट आर ट्रू फॉर किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के लिए कौन कौन सा फीचर ट्रू है? किंगडम मोनेरा के लिए कौन कौन सा फीचर ट्रू है? बढ़िया, आइए, किंगडम मोनेरा के लिए कौन कौन सा फीचर ट्रू है? बढ़िया, क्यों भाई, इसमें कैसे बुखार निकल गया? क्या कह रहा है? प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, ठीक है, न्यूक्लियोलस ऑप्शन है, ठीक है, राइबोसोम आपका 70S होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता ना, ठीक है, और सेल वॉल प्रेजेंट है। बोलोगे सर सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है कैसे? टू भी तो हो सकता है, ऑल एक्सेप्ट एफ कह रहे हैं, सेल वॉल प्रेजेंट। बेटा माइको प्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, माइको प्लाज्मा लैक सेल वॉल, लिख लीजिए बेटा, मेरा पेन नहीं चल रहा है तो मैं लिख देता, माइको प्लाज्मा, ये थोड़ा स्लो चल रहा है पता नहीं, माइको प्लाज्मा लैक्स सेल वॉल है ना, तो ये लिख लीजिए, ठीक है, बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ गया, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है, लिख नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं, चलो आज ओरल ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्गेनिज्म विच नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, अच्छा नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, बट कैन स्विच टू एनएरोबिक मोड व्हेन दे गेट टू गेट एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल, तो कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? देखो यार यहां पे तुम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा, समझो समझो, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यहां पे तुमको, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, देखो, ठीक है, अरे सॉरी, इसमें ना रीपोल कर दो, रीपोल कर दो, एक क्वेश्चन, देखो समझना पड़ेगा। पहला रिलेशनशिप है जिसको मैं कहता हूं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। सर ऑब्लिगेट रिलेशनशिप क्या होता है? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ठीक है, उमागो ट्रू लव वाला इज ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। ऑब्लिगेट मतलब कि सपोज मान लो तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड लॉन्ग डिस्टेंस रह रहे हो, ठीक है, तो भाई गर्लफ्रेंड नहीं है यहां तो तुम थोड़ी इधर उधर मुंह मारोगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट रिलेशन। तो जैसे ऑब्लिगेट एरोब है, ऑब्लिगेट एरोब मतलब क्या हुआ? मतलब भैया हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन ही करेगा, एनएरोबिक थोड़ा सा भी नहीं करेगा। ऑब्लिगेट एनएरोब मतलब क्या हुआ? हमेशा एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एरोबिक कभी नहीं करेगा, ठीक है, हमेशा एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एरोबिक कभी नहीं करेगा। फैकल्टेटिव जो होते हैं थोड़े फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, ठीक है, वैसे तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है, ठीक है, बट गर्लफ्रेंड बाहर घूमने चली गई, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो क्या बाजू वाली पड़ोसी से भी काम चला लेते हैं, तो दैट इज फैकल्टेटिव, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक है और मजबूरी में एनएरोबिक है, तो फैकल्टेटिव क्या है? मजबूरी, तो मजबूरी में क्या है? एनएरोबिक, तो फैकल्टेटिव एनएरोब हो जाएगा आंसर, फैकल्टेटिव एनएरोब हो जाएगा आंसर, आंसर तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। फैकल्टेटिव एरोब कैसा होता? नॉर्मली एनएरोबिक रेस्पिरेशन और मजबूरी में एरोब। आया समझ में बेटा? आया समझ ये वाला सवाल? आया समझ ये वाला सवाल? बढ़, बढ़, बहुत बहुत, चल अगला। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म, अच्छा, डाई एटम्स लैक सेल वॉल एंड फ्लैजेला, अच्छा, यूग्लिनॉइड्स एंड यूनिसेल्यूलर एंड फ्लैजेलेटेड प्रोटिस्ट, अच्छा, स्लाइम मोल्ड्स आर कवर्ड बाय थिक सेल वॉल इन देयर वेजिटेटिव सेल, इन देयर वेजिटेटिव सेल्स, यूग्निलॉइड्स है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायटम्स में होता है ये तो कोई दिक्कत नहीं, डायटम्स और सेल वॉल, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स लैक करते हैं सेल वॉल, तो यहां भी ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आ गया, इजी क्वेश्चन है,
इजी क्वेश्चन। अगला सवाल, मार्क द फीचर विच आर ट्रू फॉर एसेक्सुअल स्पोर कॉमनली प्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ सैक फंगाई, इन मोस्ट ऑफ सैक फंगाई, इन मोस्ट ऑफ सैक फंगाई। ठीक है, कौन सा सैक फंगाई में तुम्हारा प्रोड्यूस होता है? ठीक, ए सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहे हैं बेटा, ए सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा बेटा? कोनिडिया है। ठीक है, तो थिन वॉल होता है, तो यहां पे तुम्हारा ये गया। थिन वॉल होता है, ठीक है, एंड इट इज प्रोड्यूस अंदर फेवरेबल कंडीशन। तो बात हम कोनिडिया की कर रहे हैं, तो इट इज थिन वॉल एंड प्रोड्यूस्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन, एंड प्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी। बहुत बढ़िया। अगला, मेंबर्स ऑफ फियोफाइ से डिफर फ्रॉम दैट ऑफ रोडोफाइ से इन हैविंग, फियोफाइ से और रोडोफाइ से बताओ, मेंबर्स ऑफ फियोफाइ से तुम्हारा रोडोफाइ से, क्लोरोफाइ से, फियोफाइ से और रोडोफाइ से होता है। रोडोफाइ से रेड, ब्राउन और ग्रीन। तो बता दो भैया क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? बेटा बस सिर्फ फ्यूकोजेंथिन वाला डिफरेंस होगा ना, बाकी तो ठीक ही है। सिर्फ फ्यूकोजेंथिन वाला डिफरेंस होगा ना, बाकी तो ठीक ही है ना। हाँ? सिर्फ फ्यूकोजेंथिन वाला डिफरेंस होगा ना, बाकी तो ठीक है, बाकी तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? तो फिर कैसे होगा? सिर्फ फ्यूकोजेंथिन वाला डिफरेंस होगा, राइट राइट राइट। तो आंसर बेटा क्या होगा? मोटाइल गैमेट नहीं होते रेड एल्गी में। ठीक है, आंसर तुम्हारा टू हो जाएगा। ये क्यों बंद हो गया यार? हाँ जी, ठीक है बेटा, आंसर तुम्हारा हो जाएगा बी। ठीक है, चल गया। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट अ मॉस, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट अ मॉस। इजी है, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है भैया। तुम्हारा बहुत खराब हाल है यार, प्लांट के डेवलपमेंट क्यों करके करके रखे हो ऐसे? ठीक है, इट इज अ, ब्राउन एल्गे। तो मुझे अगर आता है, तुम्हें नहीं आता, तो फिर समझ ही जाओ क्या हाल है तुम्हारा। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पाइनियस इज मोनोसियस वेयर साइकस इज डायसियस। अच्छा ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स हैव हैप्लोइड एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स हैव हैप्लोइड एंडोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स हैव हैप्लोइड एंडोस्पर्म। बिल्कुल सही, पाइनस मोनोसियस होता है, मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल दोनों, साइकस डायसियस होता है। बिल्कुल सही, जिम्नोस्पर्म्स हैव हैप्लोइड एंडोस्पर्म। सही बात है ना, जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है और एंजियोस्पर्म्स का, एंजियोस्पर्म्स का कैसा होता है? डिप्लॉइड। एंजियोस्पर्म्स का कैसा होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म्स का कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। आंसर क्या हो गया? बहुत अच्छा। अगला, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेटा जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आके पोल पोल खेल सकते हो।
ट्यूबर आलू, कॉर्न कोलोकेशिया, बल्ब अनियन और राइजोम जिंजर। कोलोकेशिया इसमें हो जाएगा, क्रोकस इसमें हो जाएगा, है ना। तो आंसर तुम्हारा आ गया बी, ठीक है। अगला सवाल, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बड इज ऑप्शन इन द एक्सेल ऑफ लीफलेट्स ऑफ अ कंपाउंड लीफ। अच्छा, इन अनियन एंड गार्लिक फ्लेशी लीव्स स्टोर अ फूड। इन अनियन एंड गार्लिक फ्लेशी लीव्स स्टोर। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। कंपाउंड लीफ में बड नहीं होता, सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अनियन और गार्लिक दोनों में फ्लैशी लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, बल्ब होता है दोनों में, ठीक है। दोनों में जो मॉडिफिकेशन है इसको हम कहते हैं बल्ब, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ अ फैमिली टू विच बेलेडोना बिलोंग। अब बता दो कौन सा परिवार था इनका। एक चीज से निकल जाएगा, एक ही ऑप्शन है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं था, एक ही चीज था। देखो फैमिली कौन सा था, सोलानेसी, ठीक है। अब सोलानेसी में क्या होता है, एक फिनोमिना होता है, इसको हम कहते हैं एपी पेटलस। तो भैया कौन सा एपी पेटलस है, बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये वेक्सिलरी शो कर रहा है, इफेवेसी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सबका एक तुम देख लो कौन सा की फीचर है, की फीचर्स के कारण तुम ऑप्शन सेग्रीगेट कर लोगे, तुम्हें पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्लोरल फॉर्मूला पे एक सवाल आएगा, इसको मार्क कर लो चिंटू छाप क्वेश्चन, ठीक है। अपने मिस्टेक नोटबुक में चिंटू छाप क्वेश्चन डाल दो, ठीक है। चिंटू ही तुम्हारा नीट क्लैक कराता है, ठीक है। तो चिंटू छाप क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, और पूरा याद नहीं भी होगा तो भी करना पड़ेगा, ये एनालॉजी सीखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर। ठीक, बढ़िया, नाइस 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 गाइस, इंशाल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। हाँ जी, पैरेंट का है बेटा, क्या है, लिविंग होता है तो यहां तो गया, ठीक है, ये सही है, लिविंग मैकेनिकल्स। क्लेरिफाइड तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म नहीं हो सकता, ये नॉन लिविंग होता है, और परमानेंट कैनॉट डिवाइड। तो भैया हम जो कह रहा था तुम समझ गए ना, आंसर हो जाएगा आपका बी 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 बी, ठीक है। या चलिएगा। द हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड एज द फॉर्मर, द हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड एज द फॉर्मर, फॉर्मर पहला वाला, ठीक है। फॉर्मर देखो, हाँ जी, सैपवुड लाइटर होता है, बाहर की तरफ होता है और पानी कंडक्ट करता है। हार्डवुड तुम्हारा डार्क कलर का होता है, लिग्निफाइड होता है और रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन होता है। आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला, द सेल ऑर्गेनेल विच इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सेमी ऑटोनॉमस एंड इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूसेस एटीपी इज, एंड प्रोड्यूसेस एटीपी इज। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दिया था, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेगा तो साइटोप्लाज्म बोल देना, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलना पड़ेगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, द कोर ऑफ सीलियम, द कोर ऑफ सीलियम और फ्लैजेलम इज कॉल्ड, द कोर ऑफ सीलियम और फ्लैजेलम इज कॉल्ड बेस कोर। क्या कहते हैं सर इसका, हाँ एग्जैक्टली। देखो बेटा ये तो अगर स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसा, कैसा अरेंजमेंट था, 9+2, ये सेंट्रल शीथ होता था, यहां से 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 9 डुपलेट, 1 2
तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस 14 15 16 17 18 9 पेयर डुप्लेट होता था, सेंट्रल शीथ होता था। तो ये तुम्हारा स्पोक हो गया रेडियल, ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और इसका जो कोर होता था उसको हम एक्सोनीम कहते थे। तो आंसर बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए। चलिए अगला, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल्स सेल्स, ठीक है, डिफर। इट टेक्स प्लेस बाय फरो फॉर्मेशन, वेयर एज इन प्लांट सेल इट टेक्स प्लेस बाय, इन प्लांट सेल इट टेक्स प्लेस बाय, इन प्लांट सेल इट टेक्स प्लेस बाय। हाँ जी, क्यों भाई? अब मतलब भाई बहुत वन एंड टू ऑप्शन होगा तो वन एंड टू दोनों डाल देंगे ना सर? ओ माय गॉड, हर बार नहीं चलता बेटा ये बहुत वन एंड टू वाला ऑप्शन, तुक्का अभी नहीं मारना है, तुक्का एग्जाम में, ठीक है। तो भैया क्या कहते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन, या इसको हम कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, थोड़ी देर के बाद पता नहीं इसको कैसे मौत आ जाती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, या इसको हम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, सेल प्लेट फॉर्मेशन या फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है, ठीक, बढ़िया। अगला सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, जाइगोटीन होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, ठीक है, जी टू फेज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज, एस फेज क्रोमोसोम नंबर बिकम्स डबल, डिप्लोटीन फॉर्मेशन ऑफ सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। जी टू इज मेटाबॉलिकली एक्टिव है ना, जी टू इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाता है। एस में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाता है। और डिप्लोटीन में बेटा डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, डिप्लोटीन में तुम्हारा डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, आंसर तुम्हारा पहला आ जाएगा। अगला, अच्छा, इन अ मेल गैमिट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन अ मेल गैमिट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट कंटेन्स 20 pg ऑफ डीएनए, मेल गैमिट मतलब मियोसिस टू हो गया, एंड 8 क्रोमोजोम, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड डीएनए सीक्वेंस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल इन जीवन फेज। ऐसा नहीं बोल रहा बेटा, जीवन फेज, माइक्रोस्पोर मदर सेल इन 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 जीवन फेज बोल रहा है, ठीक, जीवन फेज बोल रहा है, ध्यान से। क्यों भाई, क्यों 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 क्यों, अमाउंट ऑफ डीएनए बेटा डबल होगा रहेगा ना, है ना। देखो, एस फेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है और अमाउंट ऑफ डीएनए 1/4 हो जाता है। इस केस में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल रहेगा। देखो, जैसे मान लो मैं इसको एक बार फिर से कनेक्ट करता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, डिस्प्ले वाला एक बार अनलॉक करके फिर से कनेक्ट करता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे होगा, ठीक है, एक सेकंड, लॉग आउट करते हैं, इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ, पता नहीं क्या क्या हो जाता है इसको। देखो, समझो बात को, समझो मैटर, समझिए सर आप। देखिए, अब समझो क्या बोला, मेल गैमिट, मेल गैमिट हो गया तुम्हारा, गैमिट बन गया, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट हैज 20 pg डीएनए, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम 8, तो क्रोमोसोम नंबर तो डबल हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो 2n और n, ये तो मेल गैमिट n है, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पॉलन मदर सेल है उसकी प्लॉयडी 2n है, तो यहां तो ठीक है 8 और 16 हो गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए देखो, तो यहां बोल रहा है 20 pg है, यहां बोल रहा है 20 pg है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एस पे जो मियोसिस वन होता है वहां पे डबल नहीं होता अमाउंट ऑफ डीएनए, वहां पे डबल नहीं होता। तो अगर मियोसिस वन के शुरू में जाएंगे,
होने के बाद भी तो भी 20 पीजीए था, सॉरी तो 40 पीजीए था, ठीक है। एस फेज में ये डबल हुआ होगा, तो एस फेज में ये 80 पीजी होगा, एस वन में, एस फेज के वन, ठीक है। और जी वन में ये फिर से 40 ही रहेगा ना। तो अगर उल्टा करोगे, अगर उल्टा करोगे तो तुम ऐसा देखोगे, देखो जी वन 40 पीजी है ना, और कितना अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम था, 16 क्रोमोजोम सील डाल देते हैं, ठीक है। एस में 80 पीजी और 16 सी, ठीक है। जी टू में कितना, 80 पीजी और 16 सी, ठीक है। अब उसके बाद एम वन मियोसिस वन होने के बाद क्या हो जाएगा, 40 पीजी और 8 सी। उसके बाद इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस में सेम ही रह जाएगा, 40 पीजी क्योंकि उसके में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 8 सी। और उसके बाद मियोसिस टू में क्या हो जाएगा, 20 पीजी और 8 सी। क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, डाल दो। टैग करना मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, टैग करना मुझे इंस्टाग्राम पे, आनंद अंडरस्कोर मनी 16, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत जोर से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये वाला देख लो, नेक्स्ट स्लाइड अगर तुम चाहिए ये देख लो, बढ़िया। अगर इंडोस्पर्म इंडोस्पर्म लिख देता तो फिर दिक्कत हो जाता, ठीक है। एंडोस्पर्म की बात करते तो 3N हो जाता, तो एंडोस्पर्म का एक और कॉम्प्लिकेटेड केस बन सकता है, बट एंडोस्पर्म पे हमने बात नहीं की, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। चलिए आज आज तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन अच्छा, वही बोला था ना, चुनिंदा रसीले बगानों से लाया क्वेश्चन, बहुत जोर से अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द गिवन ये, ठीक है। तो साई एस और साई पी दिया है, देखो हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है, और साई एस प्लस साई पी होता है, माइनस में होगा, साई एस हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। तो मैथ कर लो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर सेल ए कितना हो गया, -2 बार, ठीक है। फॉर सेल बी कितना हो गया, -4 बार, और फॉर सेल सी कितना हो गया, -6 बार। तो अब कर लो भैया, ठीक है, हाइयर टू लोअर जाएगा भैया, हम पहले ही तुमको सॉल्यूशन बता दिया, हाइयर टू लोअर जाएगा। तो ए से बी और सी दोनों में जाएगा, ठीक है, बी से सी में जाएगा और ए से सी में जाएगा, तो सब लेगा कौन, सी, और देगा कौन। चलो आज तो दो क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया, क्वेश्चन ऑफ द डे टू, बहुत बहुत जोर से क्वेश्चन आया, ठीक। अगला, मैच द एलिमेंट्स इन कॉलम वन विद देयर फंक्शन इन कॉलम टू, मैच द एलिमेंट्स इन कॉलम वन विद देयर फंक्शन इन कॉलम टू। देखो फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फोरस, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है, कैटलेज आयरन, है ना, कैटलेज क्या हो जाएगा आंसर बेटा, ए, बढ़िया क्वेश्चन, ए। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक, PS1 में वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है, सही है। C3 साइकिल में तो भैया कहाँ होगा, मीजोफिल में होगा, बंडल शीट तो होता ही नहीं, C4 में बंडल शीट होता है, ठीक है। रूबिस्को, ठीक है,
इन सी फोर फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं, सी थ्री में फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो आंसर तुम्हारा अगला, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू सी थ्री साइकिल, कितनी बार की है, कितनी बार की है, कितनी बार की है? साइकिल 6 बार होगा, ठीक है ना? तो सी थ्री में 18 12 और सी फोर में 30 12, सी थ्री में 18 12 सी फोर में 30 12 होता है। ठीक, बहुत अच्छी बात। द कंपाउंड विच इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज, कंपाउंड कॉमन इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होगा सर? कंपाउंड कॉमन इन एरोबिक एंड एनएरोबिक, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना? क्यों भाई, एसिटाइल कोएंजाइम कैसे होगा? एसिटाइल कोएंजाइम बनने में तो एटीपी लग गया ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी लगेगा नहीं, तो पाइरोबिक एसिड कौन सा होगा? पायरुविक एसिड होगा, पायरुविक एसिड होगा, राइट, पायरुविक एसिड होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, पायरुविक एसिड, बढ़िया। अगला, नंबर ऑफ एनएडीएच प्लस एडजस्ट एफएडीएच टू एंड जीटीपी ड्यूरिंग क्रेव्स साइकिल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर ऑफ है ना, बिल्कुल सही, जीटीपी एक था, ठीक है, एक क्रेव्स साइकिल में पूछा है भैया, एक साइकिल, ये साइकिल 2 बार होता है, ठीक है, टोटल 2 बार होता है, तो यहाँ एक ही की बात कर रहा है, तीन, ठीक है, एक बार ऑक्सैलो सक्सिनेट में तुम्हारा एनएडीएच, एक बार सक्सिनिल कोएंजाइम में जीटीपी आ गया, और फ्यूमरेट वाले में एफएडीएच टू आ गया, ठीक है, और ये 3 बार आ गया, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा बढ़िया, बहुत जोर से बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग ट्रू एंड फॉल्स, स्टेटिंग ट्रू एंड फॉल्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटिंग ट्रू एंड फॉल्स, क्यों भैया, क्यों गलत क्यों? साइटोकाइनेसिस बिल्कुल हुआ था ना, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, एबीए स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है, ये बेटा इथाइलिन प्रमोट्स सिनेसेंस, और ये भी ठीक है, ये सब चैप्टर ना तुम पढ़े ही नहीं हो अभी, है ना, ये वाले चैप्टर तुमने अभी पढ़े ही नहीं। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, रिलेटेड टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एग्जैक्टली, जीनोगैमी, जीनोगैमी ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, बिल्कुल, क्रॉस पॉलिनेशन होता है जीनोगैमी, ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में बेटा दे विल प्रोड्यूस सीड, क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा सीड, ठीक है, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट तुम्हारा मेगास्पोरेंजियम कैसा होगा, मेगास्पोरेंजियम ओवियोल हो गया, ठीक है, वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन गिव राइज टू, नहीं, जनरेटिव सेल गिव राइज टू टू मेल गैमेट, तो आंसर तुम्हारा 3 आ गया। अगला, अब देखो ए बी और सी, अच्छा बेटा देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, ये तुम्हारा पोलर न्यूक्लियर हो गया, ये वाला रीजन, ठीक है, ये सिनर्जिड्स हो गया, सिनर्जिड्स में नीचे जो है फिलिफॉर्म एपराटस है, ठीक है, ये एंटीपोडल हो गया, ये चलाइजा लैंड हो गया, ये तुम्हारा माइक्रो पाइलर एंड हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल सेल हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा एग हो गया, और ये तुम्हारा फिलिफॉर्म एपराटस हो गया, आंसर हो गया ए, ठीक है, ठीक है। इफ द क्रोमोजोम नंबर इन द मेल गैमेट ऑफ फर्न इज 630, तो मियोसाइट में क्या होगा, 50 बार तुमको, चलो इसको नहीं देता,
सिर्फ ऐसे ही सवाल पूछ सकता था कि ओफियोग्लॉसम के मियोसाइट्स में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ये वैसे भी नहीं देता, तुमको ऐसे पूछ सकता था इसके मियोसाइट में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, 1260। ठीक है, याद कर लीजिए, इस पे सवाल आ सकता है। ठीक है, ओफियोग्लॉसम वाले पे सवाल आ सकता है, इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला, रिया इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अच्छा, बहुत दुख है रिया को। ब्रॉड फेस, फ्लैट फेस, ठीक बता दो भाई। तो रिया को डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में एक्स 44+XO होगा। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस पता ही आपको, थैलेसीमिया ऑटोसोमल होगा। ठीक है, तो रिया में जो दिक्कत है दैट इज डाउन सिंड्रोम, आंसर हो गया पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, हाउ मेनी मैक्सिमम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इज प्रोड्यूस। बेटा ये 50 बार करा चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ गैमेट फॉर्म बाय जीनोटाइप ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, और कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो कितना हो गया? बहुत बार कराए ये वाला सवाल, बहुत बार कराए। अरे वाह, जियो 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 जियो, क्या था बेटा? हम बोलते थे 2 to the power n। अरे यार क्यों नहीं चल रहा? वेयर एन इज द नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट्स। सो हेटरोजाइगोट्स कौन है? पहला ये वाला है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, और कैपिटल सी स्मॉल सी वाला। ठीक है, तो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4, तो आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक, आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा, 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4, आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, अगला, अ नॉर्मल मैन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमेन हु हैज अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेल चिल्ड्रन टू बी कलर ब्लाइंड? रुक जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेल चिल्ड्रन टू बी कलर ब्लाइंड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेल चिल्ड्रन टू बी कलर ब्लाइंड? रुको यार, फिर से हम इसको ये लगाएं, इसके बाद करते थोड़ी देर बाद इनका बुखार चढ़ जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेल चिल्ड्रन टू बी कलर ब्लाइंड? बताओ भाई, क्या है? नॉर्मल मे मैन हुज फादर वॉज, देखो ठीक है, तो नॉर्मल मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, ठीक है, मैरिज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। ठीक है, तो उसका बाप कलर ब्लाइंड था, उसकी माँ कलर ब्लाइंड थी। ठीक है, ये नॉर्मल पैदा हो गया लौंडा, क्योंकि क्रिस क्रॉस सेंटेंस शो करेगा। ठीक है, ये कैरियर पैदा होंगी दीदी। ठीक है, तो बच्चा क्या होगा? अब कह रहा है वो मेल चिल्ड्रन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेनी कलर ब्लाइंड क्या होगा? अगर एक्स वाई है और एक्स सी एक्स है, तो एक्स एक्स सी एक्स 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 सी वाई और एक्स वाई, तो 25% ऑफ प्रोजेनी होगा। बट मेल की बात करेंगे तो मेल कितने हो गया? मेल 50% हो गया, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बाप के बाप का बात कर रहा है, और बाप की माँ, और सॉरी माँ की माँ का बात कर रहे हैं, तो ही इज नाना ही इज नानी, है ना? तो वैसे देख लो, या दादा दादी, अपने हिसाब से देख लेंगे मार्केट में जो चल रहा हो। ठीक है, आंसर तुम्हारा 3 हो जाएगा। चलिए, अच्छा अगला सवाल, करेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन, करेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू कैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। एग्जैक्टली, ये पॉली होगा, ये मोनो होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये सही है, यहाँ पे इधर क्लियर कट नहीं होता, यहाँ क्लियर कट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये भी दोनों साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस में कहाँ से होगा, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, आंसर तुम्हारा भी हो गया। सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन तुम्हारा है ना, डीएनए से आरएनए बनना है ना, न्यूक्लियस में होगा, ट्रांसलेशन तुम्हारा साइट।
अगला, अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सैंपल 18% ग्वानिन, पुराना सवाल है, मार्केट में बहुत चल रहा है, ठीक है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ अदर बेसेस इन दिस सैंपल, 18% ग्वानिन है, तो हम क्या बोलते थे, एडिनिन इज इक्वल टू थायमिन, ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, कर लो कर लो। तो 18 ग्वानिन, अरे यार फिर नहीं चल रहा, 18 साइटोसिन होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो इधर बाकी बच जाएगा, तो ऐसे तुम एडेनिन थायमिन और साइटोसिन निकालो, ठीक है ठीक है। पता नहीं मेरा पेन ही इंक खत्म हो जाता है इसका, पता नहीं क्या दुख है इसको जीवन में। सेलेक्ट द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जोर से बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों भाई क्यों भाई, देखो सुनो 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 सुनो, हेलिकेज आया होगा, टोपोआइसोमेरेज होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है ठीक, लाइगेज होगा, ठीक है, और प्राइमेज होगा, लाइगेज होगा एंड प्राइमेज होगा, ठीक है। ट्रांसलोकेज, ट्रांसलोकेशन कराएगा, नहीं चाहिए, पेप्टाइडल ट्रांसफर नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्यों होगा, डीएनए डिपेंडेंट, अच्छा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, ये तो वो हो गया ना तुम्हारा प्राइमेज हो गया ना, ये भी होगा ठीक है ना, आंसर तुम्हारा चौथा हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही तो प्राइमेज होगा, तो ये भी तो होगा आंसर, अच्छा क्वेश्चन, नाइस नाइस, थम्स अप थम्स अप, बहुत बढ़िया। चल अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए प्लेज बोथ स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। आरआरएनए होता है स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल दोनों प्ले करता है, टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, ठीक है। वीट वैरायटी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दो ऑप्शन में तुम एलिमिनेट कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा। सबको याद रहता है, ठीक है, हिमगिरी, तुम्हारा हिल ब्लंट, पूसा कोमल, रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ब्लाइट होता है ना, और ब्रासिका तुम्हारा स्वर्ण, ये वाले टेबल पे हर बार सवाल आता है, इसको अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल देना। चल, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, स्टैटिन्स, साइक्लोस्पोरिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और ये, बताओ एग्जैक्टली, हाँ जी एग्जैक्टली, ठीक है। स्टैटिन तुम्हारा बेटा किससे, ईस्ट, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकॉकस, तो कौन सा बचा है, एसिटोबैक्टर है ना, एसिटोबैक्टर तुम्हारा बच गया, दैट इज एसिटिक एसिड, आंसर हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। अगला आंसर हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। चलो अगला, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग टिश्यू कल्चर एंड चूज द इनकरेक्ट वन, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग टिश्यू कल्चर एंड चूज द इनकरेक्ट वन, चूज द इनकरेक्ट वन, ठीक। तो टिश्यू कल्चर में बेटा सब कुछ चाहिए हमको,
सबको चाहिए ना, ग्रोथ रेगुलेटर वगैरह सब चाहिए होता है। तो आंसर तुम्हारा डी आ गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वराइटी इज और आर डेवलप्ड टू मेक देम रेसिस्टेंट अगेंस्ट जैसेट्स एंड एफिड्स। जैसेट्स एंड एफिड्स, जैसेट्स एंड एफिड्स, जैसेट्स एंड एफिड्स। रीड द स्टेटमेंट, फॉलोइंग क्रॉप वेराइटीज एंड आर डेवलप्ड टू मेक दम रेजिस्टेंस अगेंस्ट जैसेट्स एंड एफिड्स। बताओ भाई, आंसर बताओ। सेम टू एंड सेम थ्री, फ्लैट बीन है ना। बहुत बढ़िया। अगेन अगला, द ग्रोथ इक्वेशन फॉर अ द ग्रोथ इक्वेशन फॉर अ पॉपुलेशन प्रोवाइडेड विथ अनलिमिटेड रिसोर्स। जे शेप कर्व की बात कर रहे हैं, जे शेप कर्व की बात कर रहे हैं, जे शेप कर्व की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन। रुको एक बार, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर, ठीक है। जे शेप कर्व है या एक्सपोनेंशियल कर्व है, ठीक है। और के एन बाय के टी वाले में क्या होता है बेटा, के एन बाय के टी वाले में क्या हो जाता है, के सॉरी के एन बाय के टी कर रहा हूँ, के माइनस एन बाय, ये वाला, ये तुम्हारा कैरिंग कैपेसिटी वाला हो, ठीक है। आंसर क्या, ये सिग्मोइड होगा, ठीक है, आंसर हो गया ये। चलिए आगे आगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन ए बी, ठीक है। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म क्या होगा, एमेंसलिज्म क्या होगा, कंपटीशन क्या होगा, और पैरासिटिज्म। तो इसमें दिखा दो कौन कौन सा है, कैसे कैसे है, क्या है। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, अच्छा कौन सा है? अच्छा ओके, वैसे ओके, समझ गया समझ गया, ठीक है। पहले से ही बता चलेगा तुम्हारा, पहले से ही पता चल गया ना। कंपटीशन नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। प्रीडेशन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। कम, फिर उसके बाद एमेंसलिज्म, नेगेटिव जीरो। कमेंसलिज्म पॉजिटिव जीरो, ठीक है। तो कंपटीशन हो गया ये, कमेंसलिज्म में पॉजिटिव जीरो और पैरासिटिज्म में भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो कंपटीशन प्लस और नेगेटिव पहला हो गया आंसर। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सेकेंडरी कंज्यूमर इन फूड चेन। सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अच्छा, सेकेंडरी कंज्यूमर इन फूड चेन, सेकेंडरी कंज्यूमर इन फूड चेन। देखो, फाइटोप्लैंकटन प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फाइटोप्लैंकटन को, जूप्लैंकटन खाएगा। ग्रास हॉपर भी प्राइमरी कंज्यूमर होगा, घास खाएगा। बर्ड तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है, जो इंसेक्टिवोरस बर्ड होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, ठीक है। बी, ठीक है। अगला, मार्क द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का ऑड वन, इन सीटू मतलब उसके एनवायरनमेंट में, तो ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू इन सीटू कंजर्वेशन। सब इन सीटू है, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक सीटू होता है, ठीक है। एक सीटू में आ गया बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और ये बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और तुम्हारा क्या है, एक और ये सैक्रेड, वो सॉरी कह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। पूरे दिन कैसे करते हैं, दिमाग कैसे दही हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, कोई इंटरटेन। चलिए अगला, इन बिट टू कर्व पॉपुलेशन कौन कौन सा था और क्या रिड्यूस किया है, रिटेन एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है। कर यूरो फोर,
अच्छा 40-20 कैसे हो जाएगा? नहीं, BS6 है ना यार, इंडिया टू गो फ्रॉम 4 to 6। BS6 नॉर्म्स वाला क्या था? BS4 फ्यूल कंटेंट डैश PPM और सल्फर। 4 में था कि 50% से वो, और सल्फर आई थिंक 50 और 10 होगा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता। 50 और 10 होगा, क्या होगा इसका आंसर? क्या इसका आंसर बताना, 50 10 होगा या 40 20 होगा? बी होगा, मुझे वही लग रहा है, 50 10 हो जाएगा ना, 50% था और 10 था ना। ठीक है चलो करेक्ट कर लो ये, बोल बी कर लो, बी कर लो। हाँ वही वही था, ठीक है क्वेश्चन घुमाया था ना इसमें थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो। ह्यूमन जाइगोट इज टोटिपोटेंट सेल, डी डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। ह्यूमन जाइगोट इज टोटिपोटेंट सेल, डी डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड मेच्योर मल्टी न्यूक्लियर सेल। अच्छा क्वेश्चन, हाँ 2 ही होगा बेटा उसका, 2 ही होगा। ठीक है ठीक है, टोटिपोटेंट है बेटा, डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो हुआ ही नहीं है, ठीक है ना, डिफरेंट तो डी डिफरेंशिएशन कहाँ से होगा? ठीक है, डिफरेंशिएटेड भी नहीं है, मल्टी न्यूक्लियर नहीं है, यूनि न्यूक्लियर है, तो आंसर ये हो जाएगा, टोटिपोटेंशियल शो करता है। ठीक, अगला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ लंग इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ लंग, बहुत ईजी है। एल्वियोलाई ऑफ लंग में कितना था तुम्हारा? 104। एटमॉस्फेयर में कितना था? 159। तो कर लो, ठीक है आंसर 3 हो गया, 159 और 104। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज कॉमन बिटवीन डक, पीजन, कैमल एंड प्लेटिपस। अच्छा क्वेश्चन है, पिजन, कैमल एंड प्लैटिपस, पिजन, कैमल एंड प्लैटिपस, प्लैटिपस और पिजन तो ओविपरस हो गया, कैमल ओविपरस नहीं होता। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स तुम्हारे, बर्ड्स और मैमल्स तुम्हारे कैसे थे? वार्म ब्लडेड थे, तो हीमो। ठीक, आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ एस्कल्मिंथेस। अरे यार क्यों नहीं चल रहा, एस्कल्मिंथेस, कल इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, फेसियोला, अर्थवॉर्म, लीच और आईवॉर्म। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अरे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते मालिक, गधे ही रहोगे। फैसियोला तुम्हारा फ्लैट वॉर्म है, अर्थवॉर्म लीच तुम्हारा एनेलिडा है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन मालिक सीख जाइएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा आपका, तो आंसर डी मार्क करोगे ना, क्या यार दुखी कर देते हो। क्यों दुखी करते हो? एक तो ये सिस्टम दुखी कर रखा है उनको, और तुम भी दुखी कर रहे हो ऊपर से, कैसे चलेगा ऐसे काम बताओ। चलो कोई नहीं, आई बॉम्ब होगा। चलिए अगला, कॉकरोच आ गया। लो भैया कॉकरोच, देखो गलत हो सकता है हमसे, ठीक है देख लेना। कोलेट्रल ग्लैंड, स्पर्मथी का एलन, एनल स्टाई और एनल सर्काई, इनकरेक्ट बताना है। ना किससे आएगा? 10th टर्गम, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ये सही है। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा चौथा आ जाएगा। ठीक है छोड़िए, द एंड हो गया। ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर डाल देना यूट्यूब के, ठीक है स्कोर डाल दो। ठीक है, इसका PDF मैं शेयर कर देता हूँ तुम्हें टेलीग्राम चैनल से, t.me/anandmani001, जो
यहाँ पे प्लस पे है वो तो कर ही लेंगे, मतलब जो स्पेशल क्लास पे वो तो कर ही लेंगे। लीडर बोर्ड अपना शेयर करना, मैं डाल देता हूँ, ठीक है। आनंद अंडरस्कोर मनी 16 जो भी टॉप किया, ठीक है। दो क्वेश्चन गलत है, दो क्वेश्चन का मैनेज करके माइनस करके स्कोर हम देखेंगे, ठीक है। तो जिसका दो क्वेश्चन गलत होगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो लीडर बोर्ड मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना, मैं वन ऑन वन इंटरेक्शन हर रहेगा, ठीक है। ये डेली 7 PM होगा। कल बेटा यूट्यूब पे है तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली क्लास 7 AM, ठीक है। तो 7 AM और 7 PM अब चलने लगेगा, मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो रहा है, बट फिर भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम अच्छा स्कोर करो। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखो लीडर बोर्ड देख लो एक बार। तो 47 में 52 जानवी, 47 में 52 निकिता, आकांक्षा, सर्च, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले टेस्ट में और अच्छा करना है और यही प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। 10,000 क्वेश्चन, ये 10,000 क्वेश्चन कर लिए, मिस्टेक नोटबुक रख लिए, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। क्लास खत्म हो गया।